क्या आपको पता है कि क्रिप्टो स्पेस के अंदर जब गैस वॉर्स होते हैं तब पार्टिसिपेंट्स जो कि बेसिकली ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर्स होते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर उन्हें हायर गैस प्राइस टिप करते हैं, जिससे होता ही है कि उन्होंने जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑर्डर लगाई है इन क्रिप्टो वो एक ट्रांजैक्शन ब्लॉक में लॉक हो जाए। वो बाकी पार्टिसिपेंट्स की जो ऑर्डर है वो प्लेस होने से पहले जिन पार्टिसिपेंट्स ने हायर गैस प्राइस दी है टू द वैलिडेटर्स उनकी ऑर्डर लॉक हो जाती है इन द ट्रांजैक्शन ब्लॉक। एंड ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करने के लिए जो गैस प्राइस लगती है वो हाई होने की वजह से पे नहीं कर पाते, एंड ये सिचुएशंस को गैस वॉर कहते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क को प्रॉपरली रन करने के लिए पावरफुल नोड्स की जरूरत होती है, एंड वो पावरफुल नोड्स काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और इस एनर्जी कंजम्पशन के साथ साथ जो गैस फीस है वो भी इन गैस वॉर्स की वजह से स्काई रॉकेट कर जाती है। और एक ब्लॉकचेन रिल्म के अंदर ट्रांजैक्शन स्पीड एंड कॉस्ट ये दो ऐसे कंपोनेंट्स है जो एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं किसी भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के परफॉर्मेंस को। अब अगर हम क्रिप्टो के अंदर गैस को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली गैस मतलब एक ट्रांजैक्शन फीस होती है जो कि एक यूजर पे करता है एज एन ऑपरेशनल चार्ज टू अ वैलिडेटर जो उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन की जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसे वैलिडेट करता है, और ये होता है इन द केस ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक। एंड ऑन द अदर साइड जब प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म यूज होता है तब आप जो फी पे करते हैं वो माइनर्स को जाती है जो न्यू ब्लॉक को माइन करते हैं आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। एंड गैस टर्म की बात की जाए तो वो इथेरियम नेटवर्क से इमर्ज हुई है जिसका सिमिलर मीनिंग है कि एक इंजन को स्टार्ट होने के लिए फ्यूल लगता है, उसी तरह इथेरियम के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको भी गैस लगता है। एंड बाकी क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइन रिपल इन सब के अंदर एक ट्रांजैक्शन फी लगती है, और लेटेस्ट सपोज आपको इथेरियम ट्रांसफर करना है आपके वॉलेट से आपके फ्रेंड के वॉलेट में तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम गैस फीस रहेगी वो इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर प्री डिटरमाइंड रहेगी। एंड इथेरियम के अंदर हमें जो गैस फीस पे करनी पड़ती है वो हम ईथ में पे करते हैं, एंड उस गैस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है बेस प्राइस, दूसरा पार्ट होता है टिप। तो अगर हम गैस फी का जो फॉर्मूला है वो देखें तो वो है गैस फी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ गैस इनटू बेस प्राइस प्लस टिप। और यहाँ पे जो यूनिट ऑफ गैस होता है वो गैस लिमिट होती है, मतलब एक जो पर्टिकुलर यूजर है वो मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ गैस पे कर रहा है या पे करने के लिए रेडी है फॉर कंप्लीशन ऑफ इस ट्रांजेक्शन वो वहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है, और इस मैक्सिमम गैस अमाउंट को आपके हिसाब से चेंज भी कर सकता है। बस डिफरेंस ये रहेगा कि आप अगर ज्यादा गैस प्राइस पे कर रहे हैं तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो काफी कम टाइम में कम्प्लीट हो जाएगी, एंड ऑन दी अदर साइड अगर आप जो मैक्सिमम गैस प्राइस है वो कम रखते हैं तो आपकी जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज कोई दूसरा यूजर आपसे ज्यादा जब गैस प्राइस दे रहा होगा तब उसकी ट्रांजैक्शन पहले कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इन सिंपल वर्ड जितनी बड़ी आप टिप देते हो उतनी फास्टर आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। एंड जब बहुत सारे लोग मैक्सिमम गैस प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं तब होता है गैस वॉर। एंड ये गैस वॉर बहुत सारे वेज में ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करता है, एंड ये गैस वॉर टिपिकली अकर होता है जब कोई बहुत बड़ा इवेंट हो लाइक NFT की सेल चल रही हो या कोई क्रिप्टो एसेट की सेल चल रही हो। मतलब बेसिकली जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन होना चालू हो जाते हैं तब गैस प्राइस बढ़ जाती है। एंड अगर मैं एग्जांपल दूं किसी इवेंट का, जब एक गैस वॉर अकर हुई थी तो डू यू नो युगा लैब्स जिनका मेटावर्स प्रोजेक्ट आया था, एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर जब लैंड के ऊपर सेल चल रही थी तब एक बहुत बड़ा गैस वॉर स्टार्ट हुआ था इन द इथेरियम ब्लॉकचेन। एंड आप मानेंगे नहीं बट यूजर्स ने अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 times ज्यादा पे किए थे एज अ टिप। फॉर एग्जांपल अगर मैं वो टाइम पे $800 का जो लैंड है वो बाय करना चाहता था तो मुझे $3,500 की टिप ही देनी पड़ जाती थी इन ईथ। बट डोंट यू वरी, मेरे पास गैस वॉर्स से बचने की एक स्ट्रेटेजी भी है जिनको आप फॉलो करके गैस वॉर्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करने से बच सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है मॉनिटर गैस प्राइसेस। मतलब आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसकी ट्रांजैक्शन करने के लिए जो गैस प्राइस अभी फिलहाल चल रही है उसे आप मॉनिटर कर सकते हैं। मैं पर्सनली पुश प्रोटोकॉल जो कि एक वेब थ्री नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है उनका जो पुश ऐप है वो मैं यूज करता हूँ, एंड ये स्टेप्स आप भी फॉलो कर सकते हैं गैस वॉर से बचने के लिए। आपको बस पुश ऐप को एंड्रॉइड या iOS डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है, एंड देन आपका जो डिसेंट्रलाइज पब्लिक वॉलेट एड्रेस है वो पुश ऐप के अंदर डाल के साइन इन कर लेना है। देन आप टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेब थ्री सर्विसेज के लिए ऑप्ट कर सकते हो, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि ईथ गैस प्राइस ट्रैकर, देन वॉलेट मूवमेंट अलर्ट, देन BTC प्राइस ट्रैकर एक्सेट्रा। एंड इसी के साथ साथ आप पुश ऐप के अंदर डिसेंट्रलाइज वे में आपके फ्रेंड्स के साथ बात भी कर सकते हो उनका पब्लिक वॉलेट एड्रेस डाल के। एंड इसके अलावा ग्रुप चैट एंड वेब थ्री वीडियो कॉल का भी जो फीचर है वो पुश ऐप प्रोवाइड कर रहा है, सो यू कैन डाउनलोड द पुश ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब ये तो हो गई एक स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आप पुश ऐप की हेल्प से जो गैस प्राइस है उसे मॉनिटर कर सकते हो, जिससे होगा ये कि आप जो पीक टाइम है उसे अवॉइड कर सकते हो फॉर डूइंग एनी ट्रांजेक्शन। देन सेकेंड स्ट्रेटेजी इज कि आप एक गैस लिमिट सेट कर दो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो। मतलब जैसे आप एक गैस लिमिट सेट कर देते हो तो जब आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तब आपने जो गैस
गैस लिमिट सेट की थी वो गैस लिमिट के अंदर ही गैस कटेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपने गैस लिमिट कम रखी तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसे सक्सेसफुल होने के लिए टाइम भी लग सकता है। तो इफ यू आर कम्फर्टेबल विथ मोर टाइम तो आप एक गैस लिमिट सेट कर सकते हो। सो दिस वर माई टू स्ट्रेटेजीज जिससे कि आप गैस वॉर को अवॉइड कर सकते हो एंड आपकी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करने के लिए बहुत सारी गैस फीस देने से बच सकते हो। विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड डू चेक आउट द पुशअप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।